सुर्खियों में सबसे पहले बात एक एक्सचेंज ऑफर से जुड़ी है। ये ऑफर अमेरिका की तरफ से पेश हुआ। अमेरिका अपने यहाँ की जेल में बंद विक्टर बाउट को रिहा कर रूस को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। विक्टर बाउट को वेस्टर्न मीडिया में मर्चेंट ऑफ डेथ यानी मौत का सौदागर कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाउट के बदले रूस दो अमरीकी नागरिकों को रिहा कर सकता है, पॉल व्हीलन और ब्रिटनी ग्राइनर। पॉल 2018 से जबकि ब्रिटनी मार्च 2022 से रूस की जेल में बंद है। 27 जुलाई को अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अमेरिका ने जून में ही रूस के सामने ये प्रस्ताव रख दिया था। इस प्रपोजल में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का दखल था, पर अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट इसके खिलाफ था। उसने बाउट को रिहा करने पर आपत्ति जताई थी, पर बाइडेन किसी भी कीमत पर अपने दोनों नागरिकों को वापस लाना चाहते हैं। अमरीका की आंतरिक राजनीति में ये मसला बड़ा होता जा रहा था, इसलिए बाइडेन चाहते थे कि दोनों को जल्द से जल्द वापस लाया जाए। 27 जुलाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्लिंकन ने सीधे तौर पर नहीं कहा कि अमेरिका अपने नागरिकों के बदले विक्टर बाउट का सौदा करने जा रहा है, पर अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने सूत्रों के हवाले से पुष्टि की। इसके मुताबिक एक बड़े अमेरिकी अधिकारी इस बारे में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से फोन पर बात करने वाले हैं। अभी उनका नाम बाहर नहीं आया कौन बात कर रहा है। कहानी के मुख्य पात्र जिनकी रिहाई की बात चल रही वो जान लीजिए। ब्रिटनी ग्राइनर फरवरी 2022 में एक बास्केटबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए रूस गई थी, पर रूस पहुंचते ही एयरपोर्ट पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। रूसी कस्टम अधिकारियों का दावा कि उनके पास 0.7 ग्राम हैश ऑयल मिला था। 7 जुलाई को ग्राइनर को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। कहा कि मैं जानबूझकर ये ड्रग्स नहीं लाई थी, जल्दबाजी में सामान पैक करते समय डब्बा बैग में छूट गया, कानून तोड़ने का कोई इरादा नहीं था, पर अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया। इस मामले में उन्हें कम से कम 10 साल तक की सजा हो सकती है। अब ये पॉल व्हीलन कौन है? उन्हें 28 दिसंबर 2018 में मॉस्को में गिरफ्तार किया गया, जासूसी का आरोप लगा। रूस आए तो उनका एक रूसी दोस्त उन्हें कई जगहों पर घुमाने ले गया। 28 दिसंबर की सुबह जब वो होटल में तैयार हो रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पता चला कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे उनके रूसी दोस्त का हाथ है। ये दोस्त रूस की FSB के लिए काम करता था, वहां की सुरक्षा एजेंसी। व्हीलन पर आरोप लगाया गया कि उसने अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA ने उसे मॉस्को में एक फ्लैश ड्राइव के लिए भेजा था लाने के लिए। गिरफ्तारी के बाद व्हीलन को अलग अलग रूसी जेलों में रखा गया। मुकदमे चले और जून 2020 में 16 बरस की सजा सुनाई गई। व्हीलन पहले अमेरिका की नौसेना में काम कर चुके हैं। वो हमेशा से अपनी बेगुनाही का दावा करते रहे। उनका कहना है कि वो बेकसूर हैं और रूस की घिनौनी राजनीति और फर्जी मुकदमे का शिकार हुए। पॉल के पास ब्रिटेन, कनाडा और आयरलैंड की भी नागरिकता है, तो वो देश भी उनकी पैरवी कर रहे थे। अब विक्टर बाउट जो रूस का है, उसकी क्या कहानी है जिसके बदले रूस इन दो अमरीकी नागरिकों को रिहा करने के लिए राजी हो गया है? एक समय विक्टर बाउट का नाम दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स डीलर्स में शामिल था। करियर की शुरुआत सोवियत मिलिट्री के साथ की। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सेना छोड़ी और उसके बाद जो उसका हथियारों का भंडार था धूल खा रहा था। बाउट ने इसे दुनिया भर में बेचना शुरू किया, बंदूक से लेकर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल तक। अमरीकी एजेंसियों का आरोप है कि उसने अलकायदा और तालिबान के साथ भी हथियारों का सौदा किया। वो 2008 में बैंकॉक से गिरफ्तार किया गया, फिर प्रत्यर्पित कर अमेरिका लाया गया। 2011 में अदालत ने उसे 25 साल के लिए जेल भेजा। उसकी सजा 2036 में पूरी होती, पर रूस का कहना है कि उन्हें बाउट अभी चाहिए। बाउट के वकील ने साफ कहा कि जब तक उनके क्लाइंट की रिहाई नहीं होती तब तक रूस की कैद से कोई अमरीकी नागरिक वापस नहीं आएगा। ये एक इकलौती सुर्खी थी आज की दुनियादारी में। अब यहाँ पर शो समाप्त होता है। आपको ये प्रसंग कैसे लगे और कौन से मसले हैं दुनिया के जिन पर आप जानकारी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दुनियादारी का ये एपिसोड पसंद आया तो आप इसे शेयर भी करिए। और आज बरसों बाद कर रहा हूँ अपील, अगर आपको लल्लन टॉप पसंद है तो दोस्तों, यारों, परिवार वालों को, सबको फटाक से इसका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करवाइए और हमारी ऐप भी आ गई, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।